नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको अपडेट दिया गया था कि बैंक निफ्टी आपको 27,400 की क्लोजिंग के बाद में आपको डायरेक्ट ही बिना रुके 27,800 के टारगेट दिखाने के लिए तैयार है। तो इसने आज अपने 27,800 के करीब जाकर इसने अपने टारगेट यहाँ पर दिए हैं। आज इसने 27,754 का इसने हाई लगाया है। तो ये बैंक निफ्टी में इस टारगेट तो इसने दिए हैं और गेन के इसने अभी क्लोजिंग के वक्त भी यहाँ पे हाई पे इसने क्लोजिंग दिया है। 27,754 की इसकी हाई है और 27,720 का इसका हाई है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे पैटर्न इसने और बनाया है, एक ब्लिस हैमर इसने और बनाया है, डोजी फ्लाई कैंडल बनाई है। और ये पैटर्न जो बनने के बाद में ये पैटर्न देख ली बखूबी काम करता है। और इस पैटर्न को बनने के साथ ही मैंने अपडेट दे दिया था। वैसे अपडेट तो मैंने आपको 26,950 ही दे दिया था अपडेट के 27,400 का टारगेट है बैंक निफ्टी देने वाला है और बहुत ही जल्दी आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे 27,800 के लगभग इसने अपना टारगेट कंप्लीट करता हुआ सेकंड टारगेट भी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी मिलता हुआ। और यहाँ पे इस देखो यहाँ पे ये इस रेड कलर की कैंडल को इस ग्रीन कलर की कैंडल बखूबी ढका था। इसके ऊपर ही हाई होता है और हाई गैप ओपनिंग होता है। इसके ऊपर ही ओपनिंग होने के बाद में साथ में उछाल आता है। इसके बाद में यहाँ पे जो स्टॉप लॉस काम करता है वो 27,400 का स्टॉप लॉस यहाँ पे काम करता है, क्योंकि वहाँ पे एक 27,400 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस था वो, तो उसने बखूबी काम किया है। आज इसने लो लगाया 27,409 का, बिल्कुल सट्टे के 9 रुपये देख ले, 9 रुपये से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे बचा है। लेकिन जो फाइनल स्टॉप लॉस इसका रहेगा वो फाइनल स्टॉप लॉस ये था इसका फाइनल स्टॉप लॉस, क्योंकि इसने इस कैंडल ने इसको बखूबी ढका है। तो इसका स्टॉप लॉस फाइनल स्टॉप लॉस ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फाइनल स्टॉप लॉस कितना था। वहाँ पे आने में तो बैंक निफ्टी को काफ़ी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इतने नीचे आने के लिए। इसने 27,400 का जो स्टॉप लॉस था पहला स्टॉप लॉस उसका सम्मान किया और वहाँ पे आने के बाद बहुत तेज़ गति से ऊपर की दिशा इसने पकड़ी और तेज़ गति से ही ये टूटा था बैंक निफ्टी। और हालांकि बैंक निफ्टी का जो टूटने का कारण था कई स्टॉक्स को इसने मतलब ट्रैक किया है और कई स्टॉक्स में लोगों को इंट्राडे में फंसाया है और लोगों को लॉस करवा दिया है। हालांकि अपने तो अपन को यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको अपडेट दिया था कि यस बैंक में इंट्राडे पोजीशन वही लोग बनाए हैं जिनके पास अगर मार्जिन है जो या तो फिर 190 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल छोटा सा 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बाहर हो सकते हैं लॉस बुक करके, या फिर वही लोग इंट्राडे में पोजीशन बनाए जिनके पास उसमें कैरी फॉरवर्ड करने की क्षमता है। तो वो फिर आपको जैसे 192 से आपने वो लिया यस बैंक आपको दूसरे दिन 192 जाता हुआ मिलेगा तो आपका ना लॉस ना प्रॉफिट, लेकिन ये नहीं कि आप लॉस में नहीं काटना पड़ेगा। इसलिए आज इसने बैंक निफ्टी में कई लोगों को कई जो बैंक निफ्टी टूटा तो कई स्टॉक्स में लोगों को ट्रैप किया है और उसमें फंसाया है लोगों को। और एक तरीके से यानी कि स्टॉक्स वापस वहीं की वहीं आ गया लेकिन एक तरीके से इंट्राडे में लोगों को फंसा दिया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से चाल होती है दोस्तों, इसलिए मैंने कह दिया था उसमें कि यहाँ पे इंट्राडे करें तो वही लोग करें इंट्राडे जिनमें मार्जिन इनके पास मार्जिन है जो होल्डिंग में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। पीछे जगह में ये बताया था, हालांकि पीछे जगह यस बैंक के बारे में अलग से वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें उनकी कहानी लेके आऊँगा पीछे जगह और यस बैंक के क्या लोगों को किस प्रकार उन्होंने ट्रैप किया है और किस प्रकार वो लोगों को फंसा कर एक अपनी ऊंची लंबी छलांग लगाने के लिए वो तैयार अपने आप को कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं इस कैंडल से यहाँ पे साबित कर दिया है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर मैं जिस प्रकार मैं देख लूँ बैंक निफ्टी का तो ये उछाल के लिए बिल्कुल बना हुआ है। हालांकि ये मेरा जो फाइनल टारगेट था इसमें 27,800 का टारगेट था, 27,800 के करीब इसने टारगेट यहाँ पे दे दिया है तो सेकंड टारगेट अपना कंप्लीट होता हुआ। लेकिन अब जो मेरा जो अब आगे का टारगेट हो ये होगा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 27,000 इसका जो इस कैंडल ने आज यहाँ पे जो हाई लगाया है अगर इस कैंडल का हाई को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे ध्यान देंगे अगर इस कैंडल ने जो आज वो हाई लगाया 27,754 अगर ये ब्रेक बैंक निफ्टी कल ब्रेक कर देता है तो इसको ब्रेक करने के साथ ही आपका जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा दोस्तों 27,850 का टारगेट यहाँ पे होगा। और मैं यहाँ पे 27,850 के टारगेट के लिए अपन यहाँ पे कर सकते हैं अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो कल। तो देखते हैं गैप अप ओपनिंग के साथ करता है या गैप डाउन ओपनिंग के साथ करता है, वो तो अभी मैं एक्सेल निफ्टी या कल आपको सुबह ही अपडेट दे दूंगा कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने वाली है, गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, फ्लैट ओपनिंग होने वाली है, वो तो अपडेट आपको देता ही रहूँगा मैं। चलिए बैंक निफ्टी की मैं आपको आज की कहानी बताता हूँ किस प्रकार इसने लोगों को ट्रैप किया है। पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में ये आज जो कैंडल बनी है ज़बरदस्त कैंडल बनी है, यहाँ पे देखो दिखा दूँ मैं, यहाँ पे देखिए यानी इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो टेल्स है कितनी लंबी टेल्स है, इसकी जो हैमर है एक बॉडी है छोटी सी है, तो ये अपने आप में एक उड़ने का संकेत है। बट ये उड़ने का संकेत तभी है जब ये इसके ऊपर ये 27,754 को ब्रेक करता है मार्केट, तो आपको 27,850 तक के टारगेट बिल्कुल दिखा था वो नजर आ सकता है। अगर 27,850 को बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है, 27,850 को होल्ड कर लेता है बैंक निफ्टी, तो आपको 28,000 के टारगेट
निफ्टी बैंक निफ्टी छूता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता रखा है कि बैंक निफ्टी 30,000 तक के टारगेट दिखा सकता है लॉन्ग टर्म में। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको लॉन्ग टर्म में ये बैंक निफ्टी 30,000 तक के जाते हुए टारगेट लॉन्ग टर्म के नज़रिए से उतार चढ़ाव होता हुआ। हालांकि 28,000 के ऊपर जाने के बाद दोबारा से एक बार इसमें करेक्शन आ सकता है, दोबारा से 27,700-800 तक आ सकता है, उसके बाद फिर से ये यू टर्न लेगा। इसी प्रकार करता हुआ ये आपको लॉन्ग टर्म में 30,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। अब चलिए आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि इसने बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार चाल खेली है और किस प्रकार इसने गेम खेला है, क्योंकि सबको लग रहा था क्योंकि सारे जो ग्लोबल संकेत थे बेहतरीन संकेत थे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं थी कि ग्लोबल संकेत बेहतरीन थे और बैंक निफ्टी अपनी एक पकड़ बनाए रखा था और ऊपर जाने के लिए तैयार था। सभी यानी कि हर जगह से कोई सा भी एंगल ले लीजिए, कोई सी न्यूज़ उठा के देख लीजिए, आज बैंक निफ्टी की बाइकी रणनीति बता रखे थे। लेकिन लोगों को इस प्रकार यहाँ पे ट्रैप किया है कि लोगों को यहाँ पे जो इनका फाइनल स्टॉप लॉस दे रखा था कि बैंक निफ्टी अगर इसके यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लोगों का स्टॉप लॉस क्लियर किया। ये जो स्टॉप लॉस था अब बैंक निफ्टी यहाँ पे आज इसने ट्रेड किया था, कल इसका जो क्या इसका क्लोजिंग के बेस पे यानी कि 27,509 की इसकी क्लोजिंग थी, तो इसका जो लोगों के नज़रिए से ये यानी कि क्लोजिंग के बेस पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा गया था कि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग के बेस पे स्टॉप लॉस सटीक स्टॉप लॉस है और 27,509 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए। तो इसने 27,509 के नीचे इसने अपना जो स्टॉप लॉस था उसको क्लियर किया और यहाँ पे एक मतलब लोगों को मौका ही नहीं दिया, ये सस्टेन कर रहा था मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय से सस्टेन कर रहा था। जैसे यहाँ पे 1:00 और आपको मैं टाइम भी यहाँ पे नोट करा देता हूँ, हाँ 1:30 जैसे ही मार्केट में 1:30 हुई और मार्केट में धड़ाम से गिरावट आई और उसके बाद में 1:35 पे तो ज़बरदस्त यहाँ पे यानी कि 1:45 पे ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और मार्केट सिर्फ 15 ही मिनट में आपको 15 मिनट में आपको मात्र 200 पॉइंट मात्र क्या बहुत ज़्यादा 15 मिनट में 200 पॉइंट टूटना एक अपने आप में एक मायने रखता है कि बैंक निफ्टी 15 मिनट में 200 पॉइंट यहाँ पे गिर गया है। यहाँ पे देख ले 27,650 तार 15 मिनट में यहाँ पे 27,000 यानी कि ये 400 के तक के इसने लेवल टच किए, यानी कि कहें तो 250 पॉइंट 15 मिनट में इसने 250 पॉइंट का लेवल से तोड़ दिया है। ये जो फिर 15 मिनट में ये इसने वापस गेन भी किया है, लेकिन ये जो मैंने देखा था कि जैसे कि ये कैंडल स्टार्ट हुई थी तो 1 मिनट के अंदर ये 1 मिनट के अंदर ये 100 पॉइंट टूट चुका था। तो हालांकि मैं इसको ये कहूँगा कि 15 मिनट के अंदर अंदर इसने 250 पॉइंट का इसने गिरावट भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो अपना यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया उसमें लोगों को फंसाया कि बैंक निफ्टी अब नीचे जाने वाला है, ये तो 500 को तोड़ चुका है, ये नीचे जाने वाला है। ये अब उन्होंने लोगों ने जैसे 500 यहाँ पर मौका तो दिया नहीं उनको, क्योंकि 500 जैसे ये 500 था 500 से यहाँ पर धड़ाम से नीचे आया, फटाफट नीचे आया, लोगों को मौका ही नहीं दिया, लोगों को लगा कि नीचे जाने वाला है, उन्होंने अपनी कॉल की पोजीशन को काटी और फटाफट पुट में बैठे। जैसे लोग पुट में बैठे तो कॉल में भी नुकसान और पुट में जैसे बैठे उन लोगों को लग रहा था 27,000 की तरफ जाने वाला है बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत तेज गति से टूट रहा था और टूटते हुए लोगों ने यहाँ पे पुट को बाई किया। जैसे पुट को बाई किया यहाँ पे बैंक निफ्टी 27,400 का जो स्टॉप लॉस था अब वहाँ से टकरा कर उतनी तेज गति से बैंक निफ्टी चढ़ता है और आपको मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर बैंक निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट गेन करता हुआ नजर आया और वहाँ पे आके सस्टेन हो गया। उसके बाद में बैंक निफ्टी की रफ्तार यहाँ पे देखती बन रही थी और बैंक निफ्टी जिस तेज गति से टूटा था उससे भी तेज गति की रफ्तार से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड पर निकला और लोगों को पुट के अंदर भी लोगों को फंसा दिया, यानी कि कॉल के अंदर भी लोगों को फंसा दिया और पुट के अंदर भी लोगों को फंसा दिया जिनको सटीक मार्केट की जानकारी नहीं थी और जो दिग्गज लोग थे जिनको मार्केट की जानकारी थी कि बैंक निफ्टी यहाँ पे बाई है ये स्टॉप लॉस है, उनका सारा स्टॉप लॉस क्लियर कर दिया, 500 का 9 का स्टॉप लॉस क्लियर कर दिया, उधर भी लॉस करवा दिया बैंक निफ्टी में। और जैसे उन्होंने फिर कॉल की सलाह पुट की सलाह दी थी, सेल की सलाह दी थी कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, फिर उधर से फंसा दिया बैंक निफ्टी ने और उधर से भी वापस बैंक निफ्टी यानी कि नीचे नहीं गया और वापस यू टर्न लेके बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। क्योंकि बैंक निफ्टी का ये जो फंसाना एक तरीके से एक साजिश है बैंक निफ्टी की लोगों का, कि एक तरीके से मार्केट में पॉजिटिव लगता है। जिस प्रकार इलेक्शन के जो रिजल्ट के दिन थे आपको पता है कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ 5 राज्य में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई तो लोगों को लग रहा था कि और नीचे जाएगा। अब मेरा भी खुद का मानना था और अपने भी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई थी कि कांग्रेस आएगी तो सरकार बेहतरीन मार्केट में उनको गिरावट आएगी 1500 पॉइंट तक गिरावट आएगी, लेकिन बैंक निफ्टी ने वहाँ भी लोगों को फंसाया और ट्रैप किया लोगों को फंसा के मार्केट को, यानी कि बिल्कुल बैड सिग्नल थे, उसके बैड सिग्नल के बावजूद मार्केट में ऊपर की दिशा ले गए और 700 पॉइंट का वहाँ पे गेन किया और 700 पॉइंट उछाल के साथ पुट में सभी लोगों को ट्रैप किया और सभी लोगों को फंसा दिया। दोस्तों ये बैंक निफ्टी जो दिग्गज लोग होते हैं वहाँ उनकी चाल होती है कि जो
यानी कि स्मॉल मनी वाले जो लोग होते हैं उनको फंसा लिया जाता है, और जो ट्रैप जो आने बैंक निफ्टी का जो खेल होता है एक तरीके से बैंक निफ्टी खेल खेलता है। और जो दिग्गज जो 4-5 स्टॉक है जो HDFC SBI है, ये जो दिग्गज स्टॉक्स है ये कोटक महिंद्रा बैंक, इनको हिलाने से ये बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे की जो हलचल है वो तेज़ गति से हो जाती है। और आपको पता है यहाँ पे आने के बाद में बैंक निफ्टी में इतनी तेज़ गति से हलचल हो रही थी कि बैंक निफ्टी मतलब एक ही सेकेंड के अंदर 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, यानी कि लोग समझ नहीं पा रहा थी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह फंसा के उसमें उलझा के और बैंक निफ्टी में इसमें लॉस करवा दिया है। लेकिन मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे सलाह दे दी थी कि बैंक निफ्टी 27,400 को ब्रेक करने के बाद में आपको 27,800 का टारगेट देगा। पिछली बार ये जब 27,000 नीचे चल रहा था मैंने कहा 27,400 फर्स्ट टारगेट है, लेकिन वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना कि आपको नीचे की दिशा दिखाएगा एक बार, और वापस 26,950 आए उसके बाद कहा था, अभी ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब ये दोबारा 27,800 तक के टारगेट देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसने यहाँ पे देख लिया बिल्कुल आपको 27,800 तक के टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दे दिया है। दोस्तों यहाँ पे अपना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, 27,800 तक के आप यहाँ पे क्लोजिंग भी ऊपर की दिशा में ही है, तो आप मैं ऐसा करता हूँ कि आपने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, और प्रॉफिट कमा के आप दोस्तों आप एंजॉय करो, अपने घर में खुशियाँ मनाओ। दोस्तों अब मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों कि किस प्रकार यस बैंक ने लोगों को ट्रैप किया, बैंक निफ्टी ने किस प्रकार यस बैंक के जरिए और लोगों को ट्रैप किया है, लोगों को फंसाया है, और यस बैंक में आपकी यस बैंक की कहानी में लेके आ रहा हूँ। यस बैंक में एक बेहतरीन ग्राउंड मिली है और लोगों का एक झटके से फंसा लिया, एक मिनट के अंदर उसमें, यानी कि मैं कहूँ एक मिनट के अंदर ही उसमें 13 पॉइंट का सफाया हो गया, 1-2 मिनट के अंदर ही 13 पॉइंट का सफाया हो गया, और लोग उसमें उलझल में फंस गए। इंट्राडे में लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें आते हैं और उनके पास मार्जिन नहीं होती है, उसके बाद में लास्ट में 3:15 पे उसमें पोजिशन काटनी पड़ती है, जो कि जो लॉस बुक करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको उसमें सजेशन दी थी कि यस बैंक में अगर आप इंट्राडे में करो दोस्तों, ये वहाँ पे बाय का सिग्नल हालांकि उसने दिया था, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, उसने बाय का सिग्नल दिया, 70% चांस मान रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन 30% मैंने कह दिया था कि वही लोग यहाँ पे बाय करें जो लॉस बुक करने की क्षमता रखता हो। यहाँ पे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो, अगर 190 हिट हो गया तो आपको पता वो जो स्टॉप लॉस देता हूँ दोस्तों, वो स्टॉप लॉस लगने के बाद में तेज गति से मार्केट वहाँ से गिरावट आती है। 190 का स्टॉप लॉस दिया था यस बैंक में, वहाँ से देख लीजिए 190 के बाद में 180 एक झटके में आ गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं देता तो आपका जो इंट्राडे का जो लॉस था काफ़ी ज़्यादा आपको बुक करना पड़ता। लेकिन मैंने ये भी कह दिया था अगर जिसके पास मार्जिन ज़्यादा है, अगर वो इंट्राडे की पोजीशन अगर कन्वर्ट करना जानते हैं, उनके पास मार्जिन है, तो उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर यस बैंक 170 भी एक दिन में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है आपको, दूसरे दिन वो आपको जहाँ से आपने लिया था 192 आपको 192 का दिशा दिखाएगा, और वो आपका जो लॉस जो हो रहा था इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा वो आपको वापस यानी कि प्रॉफिट में ही आपका निकलता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों जब इसलिए मैं कह रहा था इंट्राडे काफ़ी कम करें, इंट्राडे वही लोग करें जिसके पास मार्जिन अगर लॉस होता है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हालांकि लॉस बुक नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये कहना ये दोस्तों, इसलिए मैं इंट्राडे कम कराता हूँ, करवा था तो उसमें पहले ही बोल देता हूँ, इसमें वही लोग इंट्राडे करें जिसके पास मार्जिन है और जो कन्वर्ट करना जानते हैं। चलिए ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी के यहाँ पे आपको प्रॉफिट के यहाँ पे प्रॉफिट किया है, और अच्छी बात का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, अच्छा खासा पैसा कमाया आपने, और 210 की क्लोजिंग के साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी बना हुआ है। कल की जो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है उसकी दिशा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे या तो इवनिंग में लेट 9 बजे या आपको मॉर्निंग में एसएक्स निफ्टी के नज़रिया डाउ जोन्स और क्रूड ऑयल से यानी कि सारे ग्लोबल संकेत को मिला के ही देखा जाता है कि एसएक्स निफ्टी एक माइनस में चल रहा है तो आपको पता है गैप डाउन ओपनिंग होती है, और एसएक्स निफ्टी प्लस में चलता है तो गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बता दूँ वो चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो एक तरीके से मार्केट को ऊपर नीचे खुलने का तरीका, वो तो आपको पता ही है कि एसएक्स निफ्टी प्लस में होगा तो मार्केट प्लस में खुलेगा, माइनस में होगा तो मार्केट माइनस में खुलेगा। लेकिन अगर 27,754 को मार्केट ब्रेक कर जाता है, मार्केट से 27,850 की दिशा आपको दिखा सकता है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक करने से दोस्तों मैं समझूंगा कि मैंने जो आपके लिए मेहनत की है वो मेरी मेहनत साकार हुई है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और फर्स्ट बार विजिट करिए दोस्तों, से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।